अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज बाराकोट में शिक्षक न भेजे जाने पर अध्यापक अभिभावक संघ के अध्यक्ष राजेश सिंह अधिकारी के नेतृत्व में अभिभावकों ने किया जोरदार धरना प्रदर्शन, साथ ही जल्द से जल्द शिक्षकों की कमी पूरा करने की करी मांग। भारतीय मानक ब्यूरो की विभिन्न गतिविधियों को लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से चंपावत जिला सभागार में जिला स्तर पर विभागों के जिला प्रमुखों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम का किया गया आयोजन, जिसके अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो के डायरेक्टर सुधीर बिश्नोई ने भारतीय मानक ब्यूरो की गतिविधियों के बारे में दी जानकारी, साथ ही उत्पादकों के हॉलमार्क तथा ISI के मार्क के बारे में आमजन को भी जागरूक करने के लिए किया प्रेरित। उत्तराखंड रोडवेज मृतकाश्र संगठन का एक सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना तीसरे दिन भी रहा जारी, साथ ही एक सूत्री मांग को लेकर टनकपुर तहसील के नए जिलाधिकारी सुंदर सिंह को सौंपा ज्ञापन। जनपद चंपावत के सीमांत टनकपुर नगर के अटल उत्कृष्ट राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में आज से 2 दिवसीय किताब मेले का हुआ शुभारंभ, साथ ही कार्यक्रम के लगातार 2 दिनों तक कई रंगारंग एवं प्रतियोगिता कार्यक्रमों का किया जाएगा आयोजन। राजकीय मेडिकल कॉलेज दून के बाद प्रदेश सरकार जल्द ही 3 और मेडिकल कॉलेजों में कोविड संक्रमित सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग लैब करेगी स्थापित, इसके लिए नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल दिल्ली से पंजीकरण की मांगी अनुमति, साथ ही बूस्टर डोज लगाने के लिए केंद्र सरकार से मांगे 3 लाख की कोविड वैक्सीन। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चंपावत के छात्र संघ चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी मनीष मेहर की भारी मतों से हुई जीत, साथ ही अध्यक्ष पद पर विजय हेतु सबका किया आभार व्यक्त। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार।